हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पर्पल जैम से स्नैक्स बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। पर्पल जैम को इंडिया में रतालू के नाम से जाना जाता है। ये डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ये एक तरह से रूट वेजिटेबल ही है। इसकी हम सबसे पहले स्किन निकाल देंगे। ये दिखने में इतना सुंदर नहीं होता है पर हेल्थी बहुत होता है खाने में। एवरीवन नो रेनबो कलर फूड ऑलवेज हेल्थी फॉर ब्रेन। क्या आपको पता है इसको कट करते समय बहुत केयरफुल भी रहना पड़ता है, इससे इचिंग भी होते हैं। इसमें एक तरह का लिक्विड होता है जो आपके हाथ पे टच होता है, फिर आप इसको कहीं और टच करते हैं तो वो स्प्रेड होता रहता है, इचिंग होने लग जाती है। देखिए इस तरह से सब जगह स्प्रेड हो, इचिंग हो रही है। इसके लिए आपको एक गीला नैपकिन लेके अपने हाथ पर रब करना है। 15 मिनट के बाद वो सही हो जाएगा। अभी एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम करेंगे और उसमें सभी यम डाल के सेलो फ्राई करेंगे। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई बहुत ऑयली होता है इसीलिए मैंने इसको सेलो फ्राई किया है। हम 10 मिनट मीडियम आंच पे इसको कड़क होने तक सेकेंगे। इसका कलर गोल्डन ब्राउन कलर होने के बाद गैस को बंद कर देंगे। अभी हम इसके ऊपर रेड चिली पाउडर और सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहो तो इस पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। यह हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार स्नैक तैयार हो गया। रेड चिली पाउडर और सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अभी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे इसको और गपा गप खा जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like and subscribe. Don't forget. It's great help to my channel.